हेलो बच्चों मैं आपका दोस्त एंड मेंटर रोहित कक्कड़ लाइव फ्रॉम बैंगलोर सो इस वीडियो में मैं आपसे कुछ दिल की बातें करना चाहता हूँ दिल की बातें सबको पता है कि कोविड चल रहा है बहुत टाइम हो गया ऑलमोस्ट नौ महीने होने वाले हैं ठीक है सो so, इसमें आपको बाहर जाने को नहीं मिल रहा अपने दोस्तों से मिलने को नहीं मिल रहा है कोचिंग क्लासेज अटेंड नहीं कर पा रहे हैं सिर्फ घर में ही रहना है या बाहर थोड़ा बहुत नीचे खेल लिया या साइकिल चला लिया थोड़ा सा घूम लिया और सारा दिन ऑनलाइन क्लासेस सारा दिन पढ़ाई सेल्फ स्टडी एंड सो ऑन काफ़ी ज़्यादा हो सकता है आपके लिए बर्डन हो गया हो क्योंकि ऐसी लाइफ आज तक किसी ने भी नहीं जी बच्चों के लिए तो बहुत ये नया ही है क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस भी है और सेल्फ स्टडी इतनी ज़्यादा प्लस इवन जो ऑफिस गोइंग थे वो भी ऑफिस जाते थे सुबह फिर दिन में छः सात आठ घंटा काम करते थे वापस आते थे उनको भी अब घर में रहना पड़ता है तो सबके लिए एक बहुत बड़ा बदलाव है तो इसके लिए मैं आपके लिए एक सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं सीरीज का मतलब है आस्क मी एनीथिंग ठीक है आप मुझसे कोई भी सवाल पूछ सकते हैं तो सबसे पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपके लिए कोविड नाइनटीन जो जो हुआ स्टार्ट हुआ आपको लॉकडाउन में रहना पड़ा अभी भी हम हमारी कोचिंग्स पूरी तरीके से खुली नहीं है स्कूल भी खुले नहीं है सो so, आपको क्या परेशानियां आ रही हैं आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको क्या परेशानियां आ रही हैं और मैं एक वीडियो सीरीज स्टार्ट करना चाहता हूँ जिसमें जो आप मेरे को कॉमेंट करके बताएंगे कि मुझे ये परेशानी आ रही है और दिस इज़ द प्रॉब्लम आई एम फेसिंग तो मैं क्या करूंगा उस पर वीडियो बनाऊंगा और फर्दर आपसे ऐसे क्वेश्चंस पूछता रहूंगा कि आपको क्या परेशानी आ रही है या फिर आपका क्या अच्छा चल, चल रहा है मैं ये भी जानना चाहता हूं कि इस कोरोना वायरस से अंदर रह के आपको क्या फ़ायदा हुआ है क्योंकि हर एक सिचुएशन में क्या होता है कुछ नुकसान होते हैं कुछ फ़ायदे होते हैं ठीक है सो जैसे देखा जाए तो वर्किंग प्रोफेशनल्स को क्या हुआ उन्हें घर से ही काम करने को मिल रहा है तो उनके लिए थोड़ा सा ये बेनिफिट भी है क्योंकि वो अपनी फैमिली के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड कर सकते हैं लेकिन डिसएडवांटेज ये है कि मेड नहीं आ रही कुक नहीं आ रहे तो उन्हें खुद सफाई करनी है घर की खुद खाना बनाना है ऐसे आपके लिए बेनिफिट क्या हुआ कि आपका ट्रैवल टाइम बच गया कि आपको जाना नहीं पड़ा ठीक है कहीं आपको ट्रैवल नहीं करना पड़ा कोचिंग के लिए और आपको घर से बाहर नहीं रहना पड़ा कई लोग कोटा जाते हैं कई लोग हैदराबाद जाते हैं कई लोग अलग अलग शहर जाते हैं तो फैमिली से दूर रहना पड़ता है या फैमिली के साथ ही हैं ठीक है सेल्फ स्टडी का टाइम आप बढ़ा सकते हैं चाहे तो सो तो हर एक सिचुएशन में हमारे पास कुछ पॉसिबिलिटीज़ होती है और कुछ हमारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं उसकी वजह से तो इस वीडियो सीरीज के थ्रू मैं आपको जानना चाहता हूँ समझना चाहता हूँ कि व्हाट इश्यूज आर यू फेसिंग राइट नाउ एंड क्या अच्छा चला आप मेरे को कॉमेंट्स में बताए अकॉर्डिंगली आग, आगे हम इंटरेक्ट करते रहेंगे मैं आगे, आगे आपसे सवाल पूछता रहूंगा और जो आपका पॉइंट अच्छा होगा कि ये प्रॉब्लम मैं उस पर वीडियो बना के आपके साथ जरूर शेयर करूंगा होप कि आप कमेंट करेंगे अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें अपने दोस्तों के साथ शेयर करें मैं चाहता हूँ कि ये कम्युनिटी बिल्ड हो जहाँ पे बच्चों के सारे सवालों का अच्छे से जवाब मिल सके सो प्लीज़ प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें और अगर अभी आपने चैनल तो सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि जो मैं आगे वीडियोज बनाने वाला हूँ जो भी आप पॉइंट कमेंट्स में लिखेंगे उस पर जो भी मैं वीडियो बनाऊंगा वो आपको अपडेट्स रेगुलरली मिलती रहे थैंक यू ऑल द बेस्ट बाय बाय टेक केयर स्टडी वेल वर्क हार्ड अचीव ऑल योर गोल्स बाय बाय